अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 7C। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। हियर आर 12 फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे 12 फ्रेंड्स है, तो हमें क्या करना है? ड्रा इयर रिंग्स फॉर 3/4 ऑफ देम, पुट बिंदीज ऑन 5/6 ऑफ देम, मेक 2/3 ऑफ देम वियर स्पेक्टेकुलर्स। ठीक है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, 3/4 ऑफ 12 कैसे हम निकालेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। इट्स एक्सरसाइज 7C। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू पुट इयर रिंग्स फॉर 3/4। टोटल फ्रेंड्स कितनी है? ट्वेल्व है ना? तो 3/4 ऑफ 12 को हमें इयर रिंग्स लगानी है, दैट इज पहले हम क्या करेंगे, 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। किससे करेंगे? 4 से। जब हमने 12 को डिवाइड किया 4 से, तो वहां पे क्या आएगा आंसर? 3, है ना? ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है। तो स्टेप सेकंड में क्या करना है, हमें आंसर आया 3, इस 3 को इसके साथ मल्टीपल करना है, वो 3 × 3 दैट इज 9। तो हमें कितनी मतलब गर्ल्स को इयर रिंग्स लगानी है? 9 गर्ल्स को। ओके, इसी तरीके से आपको 5/6 ऑफ 12 करना है, 2/3 ऑफ 12 करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट इज 2/3 ऑफ 27। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्वेश्चंस ये भी इसी तरीके से करने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट इज 2/3 ऑफ अ डे, और लिख के है इसको वहां पे इन आवर्स। ठीक है, सॉल्यूशन इज लाइक दिस। नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं डेज, डे में 24। हमें फिर क्या करना है, 2/3 ऑफ 24, देयरफॉर 2/3 ऑफ 24। पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें इससे यानी कि ये डिनोमिनेटर है, इसको इससे हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो वो होता है 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 एंड 3 8 24। ठीक है, उसके बाद स्टेप सेकेंड में क्या करना है, ये जो हमें यहाँ पे आंसर आया, इसको इस 2 के साथ मल्टीपल करना है। ठीक है, 16, तो हमें हैंस 2/3 ऑफ 24 इज इक्वल्ड 16। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट्स करने हैं। मैं आपको सी पार्ट दिखाऊंगी, बी पार्ट आप खुद करेंगे। सी पार्ट इज 5/6 ऑफ अ डजन, 5/6 ऑफ अ डजन, डजन मीन्स 12, एक डजन में 12 होते हैं।
number of things in one dozen. That is 12. Therefore, 5/6 of 12. ठीक है. स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट में हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे. 12 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल 2. स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे? 5 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे. दैट इज 5 to 10. इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट्स करने हैं. डी पार्ट आप खुद करेंगे, मैं ई पार्ट दिखाऊंगी. इट्स 2/5 ऑफ एन आवर एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस इन मिनट्स. ठीक है, इन मिनट्स. नंबर ऑफ मिनट्स इन वन आवर कितने होते हैं? 60, है ना. नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर इज इक्वल 60. देयरफॉर 2/5 ऑफ 60. स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? 60 को 5 से डिवाइड करेंगे. वो आएगा 12. ठीक है. उसके बाद स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे? 12 को 2 से मल्टीपल करेंगे. 2 12 24. Hence, टू बाई फाइव ऑफ 60 इज इक्वल 24. ठीक है. नाउ इज एप्लीकेशन इन रियल लाइफ. इट्स क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए. एन ऑडिटोरियम हैज 600 सीट्स. 2/3 ऑफ सीट्स आर एम्प्टी. हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी? ओके, क्वेश्चन नंबर 4. ए पार्ट. टोटल सीट्स कितनी हैं? टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम इन एन ऑडिटोरियम सिक्स हंड्रेड 2/3 ऑफ 600 आर एम्प्टी. ठीक है. अब हमें क्या करना है? 2/3 ऑफ 600 निकालना है, मतलब नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी कितनी है. देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी टू बाई थ्री ऑफ 600. पहले स्टेप में हमें क्या करना है? 600 को डिवाइड करना है 3 से. तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3 2 6 300 300 200. तो दूसरे स्टेप में क्या करना है? 2 को मल्टीपल करना है किससे? 200 से. तो वहाँ पे 400 आएगा. देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी कितनी है? 400. बी पार्ट आप खुद करेंगे, मैं सी पार्ट दिखाऊंगी. सी पार्ट इज ड्यूरिंग द क्लास इलेक्शन प्रीतम गॉट 1/7 ऑफ द 42 वोट्स पोल्ड. हाउ मेनी वोट्स डिड प्रीतम गेट?
टोटल वोट्स पोल्ड हुए हैं 42। वन बाई सेवन ऑफ 42 प्रीतम गॉट। ओके देयरफॉर नंबर ऑफ वोट्स प्रीतम गेट। That is 1/7 of 42। तो क्या करेंगे हम 42 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 सिक्स आर 42। उसके बाद 6 को मल्टीपल करेंगे 1 के साथ, 6 वन आर 6। तो टोटल वोट्स जो प्रीतम ने लिए हैं वो 6 है। ठीक है, दिस वॉज द एक्सरसाइज 7C। होप यू गॉट इट। फी अमानिल्ला, टेक केयर।